तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासत तेज हो गई है। नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी सामवी चौधरी की जनसभा में चिराग पासवान ने अपने चाचा और चचेरे भाई को जमकर सुनाया। दोनों पर धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार को तोड़ने एक जदयू नेता की तरफ इशारा कर दिया। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हैं। इसी क्रम में एक समस्तीपुर सीट है जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इसी सीट से बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सामवी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। बुधवार को सामवी चौधरी के लिए उच्च विद्यालय कुशेश्वर स्थान के खेल मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें LGP रामनिवास के मुख्य चिराग पासवान, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी सीमत, कई कद्दावर नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने चाचा और चचेरे भाई पर धोखा देने का लगाया आरोप। इस जनसभा में एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपने चाचा और चचेरे भाई पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज पर पार्टी को हाईजैक कर हमें अकेला छोड़ देने का आरोप लगाया, जबकि लोजपा और परिवार में विभाजन कराने में इशारे ही इशारे बिना नाम लिए महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप हजारी के पिता माहेश्वरी हजारी पर टिकड़ा फोड़ा। उन्होंने इन लोगों से सावधान रहने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा है कि कुशवेश्वर से मेरे पिताजी स्वर्गीय राम विलास पासवान का काफ़ी लगाव था। मेरे पिताजी यहाँ कई विकास कार्य किए। उन्होंने लोगों के आश्रय किया है कि अपने पिताजी के अधूरे कार्यों को अपनी छोटी बहन सामवी चौधरी के साथ मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हेतु लोजपा प्रत्याशी सामवी चौधरी के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबाकर विजय बनाने का आह्वान किया। अब विदेशी ताकत उठाकर नहीं देख सकती सम्राट चौधरी। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज देश के 56 इंच की सीना वाला प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत को कभी मुगलों ने लूटा तो कभी अंग्रेजों ने। भारत को लूटने में गजनवी भी पीछे नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौकीदारी में कोई विदेशी ताकतें देश को घुसपैठ की बात तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह मोदी की गारंटी है। बिहार में भी बनेगा भव्य माँ सीता का मंदिर। सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि 500 वर्ष तक भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या में टेंट में रहे, पर किसी को इसकी चिंता नहीं थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में भव्य मंदिर भी बनवाया और उसमें प्रभु श्री राम प्रतिमा भी स्थापित किया। भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री शासनकाल में ही मिथिलांचल की सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर भी बनेगा।